और लोग ना बिहार दरोगा का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, आप तमाम बच्चों को मालूम होगा। आप लोग बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए। तो मैं बोल रहा था बिहार दरोगा का एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है और 17 दिसंबर का एग्जाम डेट है। टाइम बहुत कम बचा है। जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे, जिनका एग्जाम होगा, अब नया चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुराने चीज को पढ़े, उसका रिवीजन कीजिए। और देखो, ये दरोगा ही नहीं है, अभी आप दरोगा बन जाओगे तो मिनिमम डीएसपी बनना ही है। आप अच्छा काम करोगे, आप एसपी तक जा सकते हो। एक बार आप पद पे चले गए ना, आपका रुतबा भी होगा, सैलरी तो कम से कम 50,000 सैलरी मिलेगी इनिशियल में, और ये 50,000 पर मंथ मिलेगी, और जब रिटायर करोगे ना तो कम से कम 2 करोड़ रुपया मिलने वाला, मिनिमम 2 करोड़ रुपया वन टाइम आपको मिलेगा। वो बुढ़ापे की लाठी होगी। और आप प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनोगे, फिर डीएसपी, फिर एसपी तक जा सकते हो। तो पैसा भी है और ग्लैमर भी बहुत ज्यादा है, रुतबा भी है। आप लोग दिल से पढ़िए, दिल से मेहनत करो। अभी टाइम बहुत, 15 दिन का वक्त है, मेरे ख्याल से 15-17 दिन का वक्त है, और 15-17 दिन का जो मेहनत होगा यही आपको सफलता की बुलंदी तक ले जाएगा। इसीलिए अभी छुट्टी वगैरह बंद कर दीजिए, और जो भी पढ़ाई किए होंगे उसका रिवीजन कीजिए, और एकदम ठान लेना कि इस बार हमें हर हाल में करेक्ट कर देना है। पीटी भी करेक्ट कर देना है, मेंस भी करेक्ट कर देना है, उसके बाद फिजिकल भी करेक्ट कर देना है। देखिए, बेरोजगारी जो है ना, बहुत बड़ी एक कलंक है, धब्बा है। हमेशा आप लोग बेरोजगारी रूपी धब्बा को हटाना है। इसीलिए पढ़िए, आप लोग खूब मेहनत करिए। और बिहार एसएससी का भी एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा, उसका भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तो फॉर्म फिलअप भी हुआ है उसका। तो खैर, कोई नहीं, जैसे बिहार दरोगा का डेट समाप्त होगा, फिर बिहार एसएससी का शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।